एवरीवन, आरोही होम किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी पापड़ की रेसिपी, आलू और साबूदाने के पापड़, जो बिल्कुल वाइट बनेंगे। लोगों की शिकायत रहती है ना कि आलू के पापड़ का कलर बदल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे वाइट बनते हैं और मैंने रेड कलर के भी बनाए हुए हैं। ये बनाते हैं तो मैंने सबसे पहले दो आलू लिए हैं, उनको छीलकर पानी में ही डाल दिया है और अब हम इनको काट कर भी पानी में ही डालेंगे। और आपको एक खास ध्यान रखना है कि आलू को काट कर पानी में ही डालना है, जिससे इनका कलर चेंज ना हो, क्योंकि आलू को आप जैसे भी रखोगे तो उनका तुरंत ही कलर चेंज हो जाता है। तो आप आलू को काटते जाएं और पानी में डालते जाएं। तो दोस्तों देखिए, मैंने सारे आलू इस तरीके से काट लिए हैं और ख़ास ट्रिक ये है इधर आप कि आलू को काट कर ही पानी में ही डालें और धुलने के समय भी सब पानी में ही डालें। आलू को तुरंत ही पानी में डाल के रखें, जिससे कि इसका कलर चेंज नहीं हो। और दोस्तों आप देखिए, इसका सारा स्टार्च भी निकल जाएगा। तो हम इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे, ये पानी निकाल देंगे और इनको दूसरे पानी में डाल देंगे। तो आप देखिए, हमने इनको साफ पानी में डाल लिया है और अब हम इसको पीसेंगे और हम इनको पीसेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, इसको एक ही बार पीसना है, दो बार नहीं पीसना है, वरना आलू का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप इसको जितना भी महीन पीसना है तो इसको एक ही बार पीसिए और अच्छा महीन पीसिए, क्योंकि फिर हमें इसका बैटर बनाना है तो इसको छान लेना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से महीन पीसिएगा और सच में ये पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप मेजरमेंट के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इसमें इस कटोरी से एक कटोरी पानी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से पीसेंगे। तो दोस्तों हमने ये सारा बैटर छान लिया है, आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कटोरी से हम नाप ले रहे हैं, आप किसी भी बाउल से नाप ले सकते हैं। तो मैंने ये इस कटोरी से नाप लेंगे, एक कटोरी, दो कटोरी और तीन कटोरी, और आप इसी कटोरी से इसमें पानी डालिएगा। तो दोस्तों मैंने नाप के लिए इसी कटोरी से पानी डाला है, एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी, चार कटोरी हम डालेंगे। जैसे कि हमारा दो कटोरी बैटर था तो हम लगभग दुगना पानी डालेंगे, पांच कटोरी, और ये हो गया छह कटोरी। और अब हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों हमारे ये पापड़ बनके बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। आप देखना, इनका बिल्कुल भी कलर अलग कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये बहुत अच्छे परफेक्ट बनके तैयार होंगे। आप देखिए, हम इसे छोटे छोटे चिप्स बनाएंगे, तो आलू और साबूदाने के पापड़ बनेंगे। अब हम जब तक साबूदाने की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। दोस्तों मैंने साबूदाने लिए हैं, आप चाहें तो बड़े वाले साबूदाने भी ले सकते हैं, और मैंने ये छोटे वाले साबूदाने लिए हैं। सच में दोस्तों इसके बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनेंगे। तो अब हम इनको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इनको पीस लिया है और अब हमें इसी कटोरी में हम इनको निकाल लेंगे। आपको मेजरमेंट के लिए एक ही कप या कटोरी करना है, उसी से सारा मेजरमेंट करिएगा। तो दोस्तों हम इसी कटोरी से एक कटोरी साबूदाने इसमें डाल देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है एक खास तरह कि जब आलू का बैटर अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद ही साबूदाने डालना है, वरना इसमें लंग्स वगैरह गुठलियाँ आ सकते हैं। तो इनको तब आलू का पेस्ट अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही डालना है और इसको
लगातार चलाते रहना है। और दोस्तों आप इस छोटी छोटी से ट्रिक के साथ आप बनाइए ना, इन खास बातों को ध्यान रखेंगे तो सच में आपके साबुत ने और आलू के पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आप इस तरह से इनको मिलाइएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस कटोरी से एक कटोरी साबुदाने डाले थे, तो हमें साबुदाने के लिए भी तो पानी डालना पड़ेगा, तो मैंने इसी कटोरी से दो कटोरी पानी डाला है। तो आप भी इसी मेजरमेंट को लीजिएगा और आप इस तरह से बनाइएगा। और हम इनको फिर से अच्छे से मिलाएंगे और चलाते रहेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक को थोड़ा सा ही डालना है कि इसमें हल्का सा स्वाद आने लगे। तो दोस्तों आप पापड़ को इस तरह से बनाएं। तो कोई कोई कहता है ना कि आलू के पापड़ थोड़े से कलर बदल जाता है, काले पड़ जाते, लाल हो जाते। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल सफ़ेद और अच्छे पापड़ बनेंगे। तो हमें इसको लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकाते पकाते, तो हम इसको थोड़ा और कम से कम 5-7 मिनट और पकाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें बिल्कुल चुटकी सा एक पिंच पापड़ खार को मिलाया है। आप मिला भी सकते हैं इसको इस वाले पापड़ों में और चाहें तो नहीं भी मिला सकते हैं। मैंने बिल्कुल हल्का सा मिला दिया है। हमारे बहुत ही अच्छे पापड़ बनके तैयार होने वाले हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। आप देखिए इसको हमने कम से कम 20-22 मिनट तक बहुत धीमी आंच पे पकाया है, तो हमारा बैटर ही बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक प्लास्टिक सील पर डाल देंगे। देखिए आप, और आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पका कि नहीं। तो ये साइड में देखो हमारी परत जमने लगी है इस तरीके से। आप देखिए इस साइड साइड में जम रही है थोड़ी। तो इस तरीके से हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लास्टिक शीट पर डाल देंगे। दोस्तों मेजरमेंट के लिए आप एक छोटी चम्मच या कुछ ले सकते हैं जिससे कि हमारे पापड़ एक ही साइज के बने। तो आप इस तरीके से इनको फैला सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। और हम इन्हें पंखे में सुखा सकते हैं, हमें इनको धूप की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देखिए बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। तो दोस्तों ये प्लास्टिक शीट पे ना वाइट कलर के पापड़ तो दिख ही नहीं रहे फैलाने पर, तो मैंने अब इनको कलर करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है और इसमें कुछ पेस्ट डाल लिया है इस तरीके से। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये रेड कलर मिला लेंगे, जो खाने वाला फ्रूट कलर आते हैं ना, इसमें हम हल्का सा कलर मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया है और हमारे कलरफुल पापड़ बनेंगे जो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं तो हम
इसको इसी से इसको फैला देंगे। तो दोस्तों देखिए हमने ये पापड़ फैला दिए हैं और अब हमने कुछ में रेड कलर मिलाया है तो हमें रेड पापड़ फैलाएंगे। देख सकते हैं आप और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं, तो आप भी इनको बनाइएगा। और आप दोस्तों इसको प्लास्टिक शीट पे ही बनाइएगा, कुछ प्लेट या थाली में आप बनाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं, प्लास्टिक शीट पर बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये बनके बहुत ही अच्छे पापड़ तैयार होने वाले हैं और हम उनको छोटी छोटी साइज में भी बना देंगे तो ये आलू और साबूदाने की चिप्स भी हो जाएगी। तो आप इसको जिस शेप में बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा छोटा उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक दिन के बाद सूखने के बाद कितने अच्छे पापड़ बने हैं। देखिए आप बिल्कुल पतले और देखो बिल्कुल अच्छे, देखिए आप बहुत अच्छे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों हमारे पापड़ कितने अच्छे सिक्के तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं व्हाइट कलर का सेकती हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पापड़ सिक्के तैयार हो रहा है, आप समझ ही सकते हैं इनको बनाना कितना आसान है, कितना अच्छा। देखिए आप और ये फैल भी रहा है। अच्छा तो हमारा पापड़ बनके तैयार हो गया है, आप भी इसको बनाइए। और आप इसमें जीरा अजवाइन कुछ भी डाल सकते हैं, कलौंजी अपने हिसाब से, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला था। कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।